हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जीएस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन लूसेंट पे दिए गए हैं हम वो सभी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का कार्यकाल यहाँ पर दिया गया है या किसने से कितने ईस्वी पूर्व तक रहा है, तो यहाँ पर ये 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के बीच हड़प्पा काल का समय माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में। क्वेश्चन नंबर दो है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो किसके समकालीन नहीं थी, ये मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के, मेसोपोटामिया के, लेकिन यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो यहाँ नहीं पूछा गया, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पर आंसर डी होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें, तो इसका आंसर क्या होगा, सुरकोटदा से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो यह कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, तो यह है राजस्थान में, कालीबंगन राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों, उसे मुद्रा भी कहते हैं, के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है, तो हड़प्पा काल में मुहरों का निर्माण किससे किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिल खड़ी से किया गया है, आंसर ए होगा। हड़प्पा काल में जो मोहरे बनाई जाती थी वो लोहे या तांबे से नहीं बनाई जाती थी, वो सिल खड़े से बनाई जाती थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो यह किस युग की थी, कांस्य युग की, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनका व्यवसाय क्या था, ये लोग व्यापार करते थे, क्योंकि पाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ये लोग क्या थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, वहां पर शहर की व्यवस्था पाई गई है, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था थी, शहरी व्यवस्था थी वहां पर, इसलिए वहां पर घर ईंटों के बनाए गए हैं ऐसा पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो यहाँ जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो कपास है उसमें सर्वप्रथम थे, क्योंकि वहां पर कपास के अंश पाए गए हैं कपड़े के, तो इससे जाहिर होता है कि वो कपड़े का प्रयोग करते रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, तो इसमें ऑप्शन में कौन कौन दिए गए हैं, इनमें से जो भी दिए गए हैं इसमें सर्वप्रथम खोजकर्ता पूछा गया है, तो ये होंगे दयाराम साहनी। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो इसलिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो सिंधु सभ्यता में जो भी स्थान पाए गए हैं उनमें बंदरगाह कौन था, तो ये जो लोथल आप देख रहे हैं पेपर में कितनी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और आगे भी कई बार पूछा जाएगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा, लोथल एक पत्तन नगर है, बंदरगाह है सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई है, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल करते थे, क्योंकि अगर वहां पे व्यापार व्यवस्था लागू थी, अगर वो लोग व्यापार करते थे तो जाहिर सी बात है कि वो माप और तौल करते थे, तो इसकी जो खोज हुई है इसके अंश कहाँ पाए गए हैं, तो इसमें लोथल के अंतर्गत व्यापार होता था, लोथल एक बंदरगाह है, वहां पर इससे पाया गया है, वहां पर खोज हुई है कि वो लोग माप और तौल का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी, वहां पर विद्वान थे
योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। वहां पर ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, क्षत्रिय के अंश नहीं मिले हैं, शूद्र वैश्य ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, सैनिक वगैरह, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं कि इसका उपयुक्त नाम जो भी ऑप्शन में दिया गया है उसमें हड़प्पा सभ्यता होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो इसमें कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, वो पूजा करते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं हमें। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। घोड़ों का यूज नहीं बताया गया है क्योंकि घोड़ों के अंश पाए गए हैं, बस इतना हमें पता चला है जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि युद्ध होता था इसके कोई साक्ष्य नहीं है, महल और मंदिर थे इसके भी कोई साक्ष्य नहीं है कि वहां पर इतने मंदिर होते थे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। यहाँ पर केवल ए ऑप्शन में होगा और यहाँ पर केवल बी सही है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। ये भी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसमें जो भी ऑप्शन में दिया गया है इसमें कौन सी उक्ति सही है, इसका आंसर क्या होगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, गाय उनके लिए पवित्र थी ऐसा नहीं पाया गया है, उन्होंने अश्वमेध मेध की जानकारी थी ये भी नहीं पता है हमें, संस्कृत समानता स्थित थी इसकी भी नहीं है, तो इसलिए जो आंसर सी है ऑप्शन का ये सही होगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास प्रथा, जाति प्रथा, वर्ण आधारित ऐसी कोई प्रथा नहीं पाई गई है हमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए वहां पर उचित समतावादी व्यवस्था थी, पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का खल नखलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो को कहा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार है वो किस प्रकार का है? तो वो त्रिभुजाकार है, ये भी पूछा जाता रहता है, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है, इस तरफ स्थल दिए गए हैं, कौन से स्थल किस नदी के पर पाए गए हैं, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो दिया गया है हड़प्पा, ये रावी नदी पर ही थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर और कालीबंगा घग्घर नदी पर, ये तो चारों ऑप्शन सही है, तो इसमें जो भी ए का, बी का, सी का, डी का, तो हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी नदी के स्थल दिए गए हैं ये सही है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, आपसे सिंगल भी पूछ लेगा, यहाँ पर मिलान देने के लिए दिया गया है, इसलिए आप यहीं से देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के स्थल पर पाई गई, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और कालीबंगा ये घग्घर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ से मिला है? जो हल से जोते गए खेत हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का जो अलंकरण है वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखा आपने मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है बृहद स्नानागार? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव के। इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें ये आदि शिव है, आदि शिव के समतुल्य वहां पर चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो कालीबंगा है ये गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है?
तो इसे मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, मृतकों का टीला। ये भी अक्सर पूछा गया है, देख रहे हैं आरआरबी एसएससी कई एग्जाम में एमपीजी, तो इसलिए आप याद रखिएगा मृतकों का टीला कहा जाता है मोहन जोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इसका स्थानीय नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये बोला जाता है इसे। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का उत्कीर्णन सर्वाधिक हुआ है? बैल का, जो भी ऑप्शन में है इसमें बैल का उत्कीर्णन सर्वाधिक बार, जो मोहर पे मोहरे लगाई जाती है तो उनमें बैल का उत्कीर्णन सर्वाधिक पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जाती है? जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता में जो नगर नियोजन है वो काफी अच्छे तरीके से किया गया था, हमारे आज के समय के जैसे जो भी नालियां होती थी, रोड होती थी, वो यहाँ पर ऐसे ये 90 डिग्री पर वहां की रोडे काटा करती थी, और जो नालियां होती थी वो रोड के बगल बगल से बनाई जाती थी, और सारी नालियां ढकी हुई होती हैं। आज भी भारत में सारी नालियां नहीं ढकी होती हैं, लेकिन उस समय जो भी नालियां बनाई जाती थी वो ढकी होती थी, और जो रोड होते थे वो 90 डिग्री पर काटते थे। तो ये आपको बातें याद रखनी है कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो नगर नियोजित नगर था, लेकिन वो नियोजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो भी ऑप्शन में दिया गया है, ये लोथल, अभी मैंने ऊपर आपको बताया राजस्थान में है, तो ये लोथल स्थित है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ये लोथल गुजरात में स्थित है, ये भारत के गुजरात में स्थित है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना जो शहर है वो हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें? हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें कौन सा कथन असत्य है हमें ये देखना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, मैंने अभी आपको बताया कि सड़क के किनारे किनारे नाली बनाई जाती थी जो ढकी होती थी, अच्छी व्यवस्था थी उसकी, व्यापार और वाणिज्य होता था, व्यापार होता था वहां पर, मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी, तो ये भी होता था, लोग लोहे से परिचित थे, हमें इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित थे या नहीं थे, हमें हमें अब तक इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है, इस तरफ सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है और इस तरफ ये सूची सेकेंड में, उत्तरी सीमा क्या है, दक्षिणी सीमा क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी सीमा है वो क्या थी? मांडा जम्मू थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमा महाराष्ट्र थी। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश थी। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा वो सुतकागेंडर या बलूचिस्तान थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी सीधा सीधा दिया गया है, तो आंसर ए हो जाएगा, ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो रोपड़ है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है कि वहां पर जो जल की प्रबंधन प्रणाली थी वो बहुत ही अच्छी थी? तो ये धौलावीरा से हमें पता चलता है, ये भी याद रखना है, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है। धौलावीरा से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल व्यवस्था प्रणाली थी वो काफी अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था? वहां पर जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो लाल रंग के पाए जाते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये किस युग में पड़ता है सिंधु सभ्यता? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस स्थान से वहां पर घरों में कुएं पाए जाते हैं ऐसा हमें अवशेष मिला है? तो जो मोहन जोदड़ो है वहां से जो साक्ष्य मिले उससे पता चलता है कि लोगों को घरों के अंदर कुआं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? तो ये दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, ये भारत के हैं। तो ये सिंधु सभ्यता की खोज में भारतीय हैं, दो भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है ये कहाँ स्थित है? रंगपुर सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र क्या था पहले? जो गुजरात और महाराष्ट्र जब एक शहर था, एक एक प्रदेश था, तो उसे सौराष्ट्र कहते थे, तो ये सौराष्ट्र में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसके प्रभारी कौन थे? आंसर क्या होगा इसका? बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये किसका प्राप्त होता है इसमें? आंसर क्या होगा इसका? सी बैल। वहाँ पे जो मुहरे थी उससे ज्ञात होता है कि हमें जो व्यापारिक संबंध है, क्योंकि मुहरों के ऊपर बैल के चिन्ह बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली, आत्म ब्रह्म का कोई साक्षी नहीं मिला है, वो लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसमें से कौन सा? बालाकोट, लोथल, बंदरगाह था, सुरकोटदा ये भी था, लेकिन ये कोट दीजी जो है, कोट दीजी ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसमें आंसर क्या होगा? विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी उन लोगों ने? ग्रीक पद्धति। जो लोग पद्धति अपनाते थे उसे ग्रीड पद्धति कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सुमेलित करना है, प्राचीन स्थल है, और यहाँ से कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं हमें ये देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर लोथल, लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? जो ए है इसका आंसर क्या होगा? गोदीबाड़ा। और बी का जो होगा, बी से हमें कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है। और यहाँ पर जो सी है, धौलापीरा से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति हमने अभी ऊपर आपको बताया है। और बनवाली से हमें, ये गलत हो गया, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक विशाल शिलालेख मिला है। बनवाली से पड़की हुई मिट्टी के हल की आकृति मिली है। तो ये होगा इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा। ए का दूसरा होगा, बी का पहला होगा, सी का चौथा होगा और डी का तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति के निरूपण का अंकन हुआ है? तो किसका अंकन किया गया उसमें? शेर का अंकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसमें लोहे किस परिचित थे इसका हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन वो सोना चांदी टिन सीसा तांबा एवं कांसा से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोथल से हमें प्रमाण मिले हैं कि सावधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल डबल ब्यूरियल 200 संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो किस नाम से पुकारते थे वे? सिंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ मिला है वो किस स्थान से मिला है? तो यहाँ पर ये दैमाबाद से मिला है, तांबे का रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन और सोने का आयात करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये जो लाजवर्द है ये भवन निर्माण सामग्री है, कहाँ से इसका आयात करते थे ये लोग? हिंद कुश क्षेत्र के बदकशां से किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो इसका आंसर होगा मिंडगाक और सुरतोगोई, दोनों है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसमें कौन कौन से नगर हैं?
लोथल सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे, ये पूछा गया है। तो लोथल मैंने अभी आपको बताया, ये सुत का गेंडर भी था। अल्लाह दीनू एवं बालाकोट कुन ताही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 का, इनमें से सभी हैं। बंदरगाह के नगर ने क्वेश्चन है, मोहन जोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर पे किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है इसमें, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, इनमें से सभी का अंकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से ये नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति है प्राप्त हुई है, किस कहाँ से, तो ये मोहन जोदड़ो से प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, मोहन जोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, तो ये चनहुदड़ो से मिला है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है, तो ये लोथा से प्राप्त हुआ है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो ये गुजरात में हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। इसका आंसर क्या होगा, चावल, जौ, दालें और गेहूं उनके मुख्य खाद्यान्न थे। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, यहाँ पर ये कथन और कारण दिया गया है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो सही है कि वो विलुप्त हो चुके हैं और वे हमें उत्खनन के दौरान मिले हैं, यह भी सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए ए आर का सही स्पष्टीकरण है कि वो विलुप्त हो चुके हैं और अब हमें उत्खनन के दौरान मिल रहे हैं। मैं पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व तो यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। यहाँ पर हमें विचार करना है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये तो हमें ऊपर हमने बताया था कि कपड़े के साँच मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कपड़े के साँच मिले हैं तो कपास से वस्त्र ही बनाए जाते रहे होंगे। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व तो यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। तो आंसर ऑप्शन ए और बी, ये ए और बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया गया है, स्थल है ये, स्थिति है कहाँ कहाँ पर, ये भी ये प्रेजेंट टाइम में है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो माडा है ये कहाँ पर स्थित है, अभी जम्मू कश्मीर में, ये दायमाबाद कहाँ पर स्थित है, माडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर ये जो कालीबंगा है राजस्थान में है, और ये राखी गढ़ी हरियाणा का क्षेत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहे की, अभी मैंने ऊपर आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसमें शेर के जो अवशेष है वो हमें प्राप्त नहीं हुए, घोड़ा, गाय और हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, ये जे एच मैके ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, हड़प्पा स्थल ये देसलपुर, कोडदेजी, चन हुदड़ो भी है, तो ये जो सो गोरा है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देखा लूसेंट ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत जो भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 76 है, हमने सभी इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन लेकर आऊंगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे।